स्वागत है हम सपना समाचार सुकरी इस्लाम धर्मावलंबी सबक महान पावन रमजान आई से शुरू भेल मुख्य प्रसंग से इस्लाम धर्मावलंबी सबक महान पावन रमजान आई से शुरू भेल अछि। बीतल वर्ष नया वर्ष संगे रोजा पावन शुरू भेल छल। एहि पावन में एक महीना तक मुस्लिम समुदाय भिनसर सूर्य उदय होबय से पहिने आ सूर्यास्त नहि भेल धरि पानि तक नहि पीबै छनि। उर्दू कैलेंडर अनुसार भिनसर 4:15 से साँझ 6:20 धरि उपवास के रोजा कहल जात है। रोजा के समय दैनिक सूर्य उदय आ डूब के समय से संगे समय तालिका से हो परिवर्तन होत है। रोजा बैसल लेल भिनसर तोकल गेल समय से पहिने आ साँझ में तोकल गेल समय के बाद आहार लेब परम्परा से हो रहल है। रमजान उर्दू कैलेंडर अनुसार हिजरी संबत 1443 अर्थात रमजान महीना नवम महीना रहल अछि। रमजान महीना में मुसलमान के सबसे बड़का ग्रंथ कुरान अवतरण भेल मुस्लिम धर्मावलंबी सबके मान्यता सेहो रहल अछि। तहिना एहि महीना में अल्लाह के कृतज्ञता प्राप्त होब जन विश्वास रहल अछि। दान देनाई गरीब आ दीन दुखी के सेवा केनाए जगात निकालनाए ई महीना के बड़का विशेषता अछि। शरीर के सफा आ मन के शुद्ध राय के मात्र रोजा बैस सकैत अछि। कुरत में लागल आदमी एक महीना ईमानदारी पूर्वक रोजा के लेन त सिगरेट खैनी गुटखा आदि पदार्थ खाए के बानी परिवर्तन होब सक सुनसरी सोनापुर के हाजी मोहम्मद अब्दुल के कहब रहल अछि। त्याग तपस्या आ बलिदानी सब डोज सब जोड़ल ए पावन में मुसलमान रोजा केनाए गर्व मानल जात अछि। नाबालक रोगी घातक रोग लागल आ गर्भवती महिला की रोजा अनिवार्य नहि कयल गेल अछि। संगे वर्ष में कोनो गलती त्रुटि भेल अछि तऽ एहि वर्ष में एहि अवसर में अल्लाह संग क्षमा याचना कर मुस्लिम समुदाय के परम्परा रहल अछि। नेपाल में थप 23 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। देश भर कयल गेल 5847 PCR परीक्षण के क्रम में 23 गोटे में कोरोना के संक्रमण पुष्टि भेल स्वास्थ्य मंत्रालय जानकारी देलक अछि। तहिना 1062 एंटीजन परीक्षण के क्रम में किनको कोरोना संक्रमण पुष्टि नहि देखल गेल मंत्रालय जानकारी देलक अछि। कोरोना के कारण रवि दिन सेहो किनको मृत्यु नहि भेल अछि। तहिना बीतल 24 घंटा में थप 66 गोटे संक्रमित नीक होइत नेपाल में अखन धरि 9,65,655 गोटे संक्रमित नीक भेल छनि। अखन नेपाल में 899 सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन में रहल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जानकारी देलक अछि। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दिल्ली स्थित नेपाली दूतावास में लिम्पिया धुरा सहित के नेपालक नया नक्शा नहि राखल गेल प्रति आपत्ति जनौने छनि। रवि दिन काठमांडू में नेपाल बुद्धिजीवी परिषद के राष्ट्रीय अधिवेशन उद्घाटन करैत ओली दूतावास में टांगल फोटो में बुच्छे नक्शा राखल गेल जिक्र करैत कहलन ऐसे बेसी राष्ट्र के लेल दलाली आ गौरव के संगे माथ झुकाव लज्जा काज और की हाइत जिक्र कलन। ऐसे पहिने प्रधानमंत्री प्रकाशित केने 100 दिन के विवरण में चुच्चे नक्शा हटाओल गेल आ सरकार भौगोलिक अखंडता प्रति खेलवाड़ केने आरोप लगौने छलन। तहिना प्रधानमंत्री के दिल्ली भ्रमण के उद्देश्य संबंध में सेहो प्रश्न ओली उठौने छन। संगे अध्यक्ष ओली अखन के 5 गठबंधन से सत्ता के लेल राष्ट्रीयता आ भौगोलिक अखंडता प्रति सौदाबाजी भ रहल टिप्पणी कलन। 5 दलीय गठबंधन के ध्यान कुर्सी सत्ता भ्रष्टाचार में मात्र केंद्रित भेल हुनकर आरोप रहल अछि। ओली पांचों दिस अपना सबके घेराबंदी केने जिक्र करैत एमाले ई सब के घेराबंदी तोड़त दाबी केने छनि। ओ 5 वर्ष सरकार गिराक प्रचंड आ माधव नेपाल मुलुक में अस्थिरता आना चाहि रहल संगे दक्षिण पंथी सरकार अन्य तर्क केलक अछि। हाम्रो सरकारले बनाएर संविधान संशोधन गरेर राखेको नक्सा त्यो नक्सा झुन्ड्याएर फर्किनुहुन्छ कि हटाएर फर्किनुहुन्छ जेलमा? अहिलेको 5 दलीय गठबन्धन, यो 5 दलीय गठबन्धन सत्ताका लागि राष्ट्रियता भौगोलिक अखण्डतासँग यत्रो सौदाबाजी गर्छ। अब बुद्धिजीवीहरूले हात बाँधेर बस्ने कि चुप लागेर बस्ने कि यसका विरुद्ध, यो कसैको अरूको व्यक्तिको पक्षमा त होइन नि, यो त राष्ट्रको पक्षमा भौगोलिक अखण्डताको सन्दर्भ। चुच्चे नक्सा खोइ शेरबहादुरलाई सोध्नु पर्ने 5 दलीय गठबन्धन ओ मुलु के सही दिशा दिस आगा बढ़ावे लेल गंभीर भक बुद्धिजीवी सबके लाग आग्रह कलथ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत सरलाही के कालीन चोर पुल में रवि दिन ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल चालक के मृत्यु भेल अछि।
रानीगंज स्थित पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरा कर जा रहा समय ट्रक टक्कर देने में लालबंदी नगर पालिका दू के 25 वर्षक चंदू पासवान के मृत्यु भेल। पासवान के भिनसर 9:30 में ना 29/24/37 नंबर के मोटरसाइकिल में तेल भरा कर जा रहा आ विपरीत दिशा से गेल ना 5/84/85 नंबर के ट्रक टक्कर देने प्रहरी जानकारी दिलक। ट्रक के टक्कर से गंभीर घायल भेल पासवान के लालबंदी में प्राथमिक इलाज थप इलाजक लेल जनकपुर अन्य समय चिकित्सक हुनका मृत घोषणा केने लालबंदी के प्रहरी निरीक्षक निर्मल थापा जानकारी देने से प्रहरी दुर्घटना में संलग्न ट्रक आ एक चालक के नियंत्रण में लक अनुसंधान आगा बढ़ौने तेना कालीन चौर पुल नजीक बृहस्पति के राति सेहो कार दुर्घटना भेला से एक गोटे भारतीय नागरिक के मृत्यु संगे 5 गोटे घायल भेल छल। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड आई भिनसर जनकपुर धाम आयल छन। शहीद रामवृक्ष यादव के शालिक अनावरण कर लेल प्रचंड आई जनकपुर अयलन। प्रचंड बीतल भादो 2 गोटे यादव के स्मृति सभा के संबोधन कर सेहो जनकपुर आयल छल। तत्कालीन नेकपा माओवादी के 10 वर्ष सशस्त्र संघर्ष शुरू होबस पहिने भादो 2 गोटे 2051 साल में हुनकर हत्या कैल गेल छल। पार्टी केंद्रीय समिति के आह्वान में जनकपुर में भेल कार्यक्रम में सहभागी भ क घूर रहल समय हुनकर हत्या कैल गेल छल। धनसा में स्कॉर्पियो की टक्कर से एक गोटे की मृत्यु भेल। हुलाकी राजमार्ग अंतर्गत विदेह नगर पालिका 7 में जनकपुर धाम से कमला दिस जा रहल BR0PB3902 नंबर के स्कॉर्पियो के टक्कर देने में एक गोटे पुरुष के शनि दिन सांझ मृत्यु भेल। टक्कर से स्थानीय एकराही रहनिहार 35 वर्षक बौका उर्फ हरिचरण मंडल के मृत्यु भेल प्रहरी जानकारी देने से टक्कर से अन्य 2 गोटे घायल भेल छन। उस सब के प्रादेशिक अस्पताल में इलाज अखन भ रहल है। टक्कर देने स्कॉर्पियो आ चालक के प्रहरी नियंत्रण में लक अनुसंधान शुरू केने जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा जानकारी दिलक। नेपाली सेना आ अमेरिकी सेना बीच संयुक्त तालीम वैलेंस नेल रविदिन से शुरू भेल। सेना के रेंजर फोर्स आ अमेरिकी सेना के स्पेशल फोर्स बीच नियमित प्रक्रिया आ अभ्यास के रूप में वैलेंस नेल होब लागल। अमेरिकी सेना आ नेपाली सेना बीच एहन संयुक्त अभ्यास सन 2003 अगस्त से होत आयल नेपाली सेना के प्रवक्ता नारायण सिलवाल जानकारी दिलन। अखन धरि वैलेंस नेल के 39 अभ्यास पूरा भ चुकल। हुनकर अनुसार रेंजर फोर्स के करीब 4000 स्कल दर्जा के एहन तालीम प्राप्त भ चुकल। तहिना प्रवक्ता सिलवाल कहलन एहि बेर के वैलेंस नेल चैत 20 गते से बैसाख 13 गते धरि रेंजर गण के सिंह महावीर योजना तथा समन्वय महाशाखा छावनी आ रेंजर तालीम केंद्र नगरकोट में संचालन होब लागल। संयुक्त राज्य अमेरिका के विषम सैनिक आ नेपाली सेना के 90 सैनिक तालीम में सहभागी भेल। तालीम में द्वंद्व के समय मानव अधिकार एवं कानून के परिपालना जंगल वायरफेयर आ सैनिक ट्रैकिंग लगायत के आरो विषय में समेत व्यवहारिक अभ्यास आ ज्ञान दल जाएत। एहन तालीम से नेपाली सेना के क्षमता अभिवृद्धि सकबाक होत। तहना परराष्ट्र मंत्रालय आ रक्षा मंत्रालय के समन्वय आ स्वीकृति में संचालन भेल उक्त तालीम फील्ड टेबल आ कक्षा कोठा में संचालन कैल जाएत। अमेरिका विश्व के विभिन्न देश सब संग एक किस्म के संयुक्त अभ्यास करैत आयल अछि। 2 हफ्ता पहिने अमेरिकी सेना आ नेपाली सेना के मेडिकल जनशक्ति सब बीच समेत संयुक्त तालीम संचालन भेल छल। बैसाख 30 गति होबय लागल स्थानीय तह के चुनाव के लेल मध्य प्रदेश में गठबंधन के लेल सत्ता घटक दल सब एकजुट भेल अछि। नेपाली कांग्रेस के मध्य प्रदेश कार्यालय में मध्य प्रदेश में स्थानीय तह में सेहो चुनावी गठबंधन आ तालमेल संबंध में छलफल करय लेल सत्तारूढ़ गठबंधन के बैसार बैसा लागल अछि। बैसार में 4 दल के बैसार बैसा लागल। नेकपा माओवादी केंद्र मध्य प्रदेश के सचिव योग गुरु बरबरिया जीवन जानकारी देने से अय बैसार में सहभागी दल अपन अपन पार्टी संगठन के अवस्था संबंध में चुनावी तालमेल आ गठबंधन के विषय में छलफल कर सचिव बरबरिया जानकारी दिलन। आई बैसल लागल गठबंधन दल के बैसार में माओवादी केंद्र नेपाली कांग्रेस नेकपा एकीकृत समाजवादी आ जनता समाजवादी पार्टी नेपाल दल सब सहभागिता देखल गेल। आई माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड के विभिन्न कार्यक्रम रहला से बैसार किछ लेट से शुरू होत हुनकर कहब छल।
बैसाख 30 में होबय लागल स्थानीय तह के निर्वाचन के लेल मध्य प्रदेश में रहल 4 दलीय गठबंधन के बैसार पहिल बेर बैसल लागल अछि। स्थानीय तह के निर्वाचन के लेल सब दल के प्रमुख नेता सब अखन मध्य केंद्रित देखल गेल छनि। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री रेणु कुमार यादव भारत के रक्सौल से काठमांडू धरि रेल सेवा विस्तार करे योजना रहल जानकारी देने छनि। जनकपुरधाम स्थित रेलवे स्टेशन में सही दिन आयोजित जयनगर पुरथा रेल सेवा उद्घाटन समारोह में मंत्री यादव भारत के रक्सौल से सिमरा आ सिमरा से काठमांडू धरि रेल सेवा विस्तार करे योजना अपन सबक रहल जानकारी दिलन। पहल चरण में जयनगर से बिजलपुरा धरि के 70 किलोमीटर रेलवे ट्रैक तैयार भ चुका संगे आब हस्तांतरण होब मात्र बाकी रहल। हस्तांतरण भेलाक बाद बिजलपुरा धरि रेल चलत। एहि के साथे विराटनगर से बर्दीवास धरि सेहो रेल सेवा विस्तार कर तैयारी भ रहल जानकारी देने छनि। रेल सेवा के विस्तार बाद नेपाल आ भारत बीच के व्यापारिक संबंध आर प्रगाढ़ होब सकबाक दावी करैत मंत्री यादव नेपाल भारत बीच सरकार ऊर्जा आर्थिक विकास आ कॉन्ट्रैक्टिविटी विस्तार के जोड़ देने उल्लेख कलन। रेल चल बाद नेपाल के बेरोजगारी अंत्य होब संगे आर्थिक विकास आ समृद्धि में बड़का टेवा पहुँच विश्वास व्यक्त करते ओ विकास आ समृद्धि के लिए यातायात पूर्वाधार विकास विस्तार के सरकार प्राथमिकता में रखने उल्लेख कने। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लाल बाबू राव रेल सेवा संचालन से मध्य प्रदेश के विकास आ समृद्धि में टेवा पहुँच विश्वास व्यक्त कल। सशस्त्र प्रहरी सिरहा से प्रतिबंधित लागू औषध सहित 2 गोटे के नियंत्रण में लेने है। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नंबर 2 छिन्मस्ता वाहिनी बर्दीवास महोतरी के स्क्वाड टोली सिरहा के लहान ठाड़ी सड़क खंड से प्रतिबंधित लागू औषध सहित 2 गोटे के नियंत्रण में लेने है। ठाड़ी से लहान आबि रहल BR 32AD 2627 नंबर के भारतीय मोटरसाइकिल में सवार व्यक्ति के चेक जाँच कैल गेल क्रम में सिरहा के लहान नगरपालिका वार्ड नंबर 23 रहनिहार 30 वर्षक अजय सहनी आ व्यय स्थानक 27 वर्षक शंकर सहनी के प्रतिबंधित लागू औषध सहित नियंत्रण में लेल गेल अछि। दुनू के संग में से 299 एम्पुल नुफिर्न 240 थान प्रोमिथाइजिन डायले हाइड्रोक्लोराइड आ इंजेक्शन संगे 280 एम्पुल डाइपेजाम बरामद कैल गेल। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नंबर 2 छिन्मस्ता वाहिनी मुख्यालय बर्दीवास महतरी के सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक DIG गणेश ठाडा मगर जानकारी देने छनि। दुनू गोटे संगे रहल अन्य 2 गोटे लहानगरपालिका वार्ड नंबर 23 के रंजीत सहनी आ BR 10 के अर्जुन राम अखन फरार संगे हुनका सबके खोजी कार्य भ रहल प्रहरी जानकारी देने छनि। बरामद कैल गेल लागू औषध आ मोटरसाइकिल सहित नियंत्रण में रहल दुनू गोटे के आवश्यक कार्यवाही के लिए जिला प्रहरी कार्यालय सिरहा के जिम्मा लगाओल गेल। प्रहरी नायब महानिरीक्षक ठाडा मगर जानकारी देने छथि। नेपाली कांग्रेस के नेता एवं राजपुर नगरपालिका के नगर प्रमुख शेख शकील अख्तर नेपाली कांग्रेस पार्टी परित्याग कर घोषणा कने छनि। बैसाख 30 गति होबय लागल स्थानीय तह निर्वाचन में पार्टी टिकट नहीं देने बाद कांग्रेस से निर्वाचित प्रमुख अख्तर पार्टी परित्याग कर संगे नेकपा एमाले से चुनाव लड़क घोषणा कने छनि। बम कांड के मुख्य योजनाकार के आरोप में कारागार में रहल निवर्तमान प्रतिनिधि सभा सदस्य मोहम्मद अफ्ताब आलम के परिवारवाद सोच के कारण कांग्रेस पार्टी परित्याग कर अवस्था में पहुँचल मेयर अख्तर जानकारी दिलन। बाबू संगे कांग्रेस में जीवन उत्सर्ग के ने जिक्र करैत नगर प्रमुख अख्तर अपने से हो सांसद आलम के लेल बहुत योगदान देने जिक्र कलन। ओ कहलन अपन पारिवारिक पार्टी के रूप में सांसद आलम कांग्रेस के लेने आ राजपुर से आगामी दिन में कांग्रेस के बड़का क्षति बेहूरा परत चेतावनी देने छनि। निर्वाचन के समय नजदीक आवल लागला से विभिन्न पद के आकांक्षी सब टिकट के प्रलोभन में धमाधम अखन पार्टी परित्याग कर रहा है। संगे नया आवय वाला नेता के पार्टी उम्मीदवार बनाबे लगला सब पुरान कार्यकर्ता निराश आ पार्टी के उम्मीदवार संग अंतर्घात कर सक संभावना से हो समय बेसी होत। भारत के 3 दिन औपचारिक भ्रमण में रहल प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवा बनारस पहुँचल छनि। बनारस में प्रधानमंत्री देवा के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी स्वागत कलन। ओत प्रधानमंत्री देवा धर्मपत्नी डॉक्टर आरजू राणा देवा सहित काशी विश्वनाथ के पूजा अर्चना संगे करवा कार्यक्रम रहल। साथे प्रधानमंत्री देवा
सम्राजेश्वर पशुपतिनाथ महादेव आ काल भैरव मंदिर में जाकर पूजा अर्चना संगे ललिता घाट में निर्माण भरल वृद्धाश्रम के शिलान्यास करवा कार्यक्रम रहने प्रधानमंत्री देवबा के इंदिरा गांधी विमानस्थल में भारत के बाह्य मामला मंत्रालय के अधिकारी सब विदाई कने प्रधानमंत्री देवबा आई वोत नया दिल्ली के लिए प्रस्थान संगे साँझ में नया दिल्ली से काठमांडू प्रस्थान करवा कार्यक्रम टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। हफ्ता के पहले दिन आई सोन के दाम तोला में 400 रुपया से घटल है। नेपाल सुनचान व्यवसाय महासंघ के अनुसार आई सोन के दाम तोला में 99,300 रुपया तोकल गेल है। परसुखन तोला में 99,700 रुपया तोकल गेल सोन आई संगे चांदी के दाम स्थिर रहल है। परसुखन जेहन चांदी आई 1360 रुपया में किन बेच भ रहल महासंघ जानकारी दिलक है। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। श्रीलंका में दैनिक उपभोग्य वस्तु के अभाव भेल संगे शुरू भेल आंदोलन रोको लेल कर्फ्यू आदेश आ सामाजिक संचार में सेहो प्रतिबंध लगा गेल अछि। काल्हि सांझ 6 बजे से 36 घंटे कर्फ्यू आदेश जारी केने श्रीलंका सरकार सामाजिक संचार के पहुँच सेहो बंद केने बीबीसी जानकारी देने अछि। श्रीलंका में फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम लगात के सामाजिक संचार बंद कयल गेल अछि। राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्से अधिकारी सबके लिखित अनुमति बाहे कोनो सार्वजनिक सड़क पार्क रेल व समुद्री किनार में जाय पर निषेध कयल गेल आदेश जारी कयल गेल अछि। प्रदर्शनकारी सब रिस्पेक्ट दिन राष्ट्रपति भवन जिक गाड़ी में आगजनी केने बाद प्रदर्शन रोक लेल देशव्यापी कर्फ्यू आदेश जारी कयल गेल अछि। सेना के बिना वारंट नियंत्रण में लेब अधिकार देल गेल अछि। तहिना टापू राष्ट्र श्रीलंका चरम आर्थिक संकट में अखन पड़ल अछि। विदेशी मुद्रा के अभाव से ईंधन खरीद कर नहीं सकल। ईंधन खाद्यान्न दवाई लगात के अभाव सेहो अखन भ रहल अछि। दैनिकी कमती में 12 घंटा अखन ओत लोड सेटिंग रहल अछि। तसंगे कागज खरीद कर नहीं सकला से माध्यमिकी तह के परीक्षा समेत स्थगित कयल गेल। श्रीलंका सन 1948 में बेलायत से स्वतंत्र भेलाक बाद पहिल बेर एतेक बड़का मंदी के सामना कर रहल अछि। बेस तो टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। अपने दोसर समाचार लग उपस्थित हो बेटा करब। तखन धरि के लेल हम सपना विदा मांगे छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।